प्यारे विद्यार्थियों, वैदिक गणित की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम अपने वैदिक गणित के 15 सूत्रों के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो वैदिक गणित का 16वां सूत्र है उसके अर्थ को जानेंगे और उसके जो बेसिक उपयोग है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम वैदिक गणित के 16वें सूत्र का जो नाम है वो है गुणक समुच्चय। जो सूत्र 15 है वो है गुणित समुच्चय और सूत्र जो 16 है वो है गुणक समुच्चय। तो काफी सिमिलर से नेम है, ध्यान रखना है आपको। तो शुरू करते हैं, जो हमारा सूत्र है गुणक समुच्चय, अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है सभी गुणक, इंग्लिश में कहें तो सेट ऑफ मल्टीपल्स। तो ये इसका अर्थ हो गया। अब काफी इंटरेस्टिंग उपयोग है इसके। तो इसके अगर उपयोग की बात करें तो यहाँ पे तीन महत्वपूर्ण उपयोग के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले उपयोग की। इसमें कहा गया है कि गुणा में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो इसका जो पहला उपयोग है वो है जब हम गुणा करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कितने जीरो होंगे इसकी संख्या ज्ञात करने के लिए। इसको अगर हम समझें तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम गुणा में शून्यों की संख्या, मान लो हमें गुणा करनी है 5300 की, किसके साथ गुणा करनी है, 200 के साथ गुणा करनी है या 2000 के साथ आपको गुणा करनी है। तो गुणा करने पर कितने शून्य आएंगे, अंत में कितने शून्य होंगे उसके बारे में बात की जा रही है, गुणा में शून्यों की संख्या ज्ञात करने में। तो यानी कि आप ये देखो कि जो पहली संख्या है उसके अंत में कितने शून्य है और जो दूसरी संख्या है उसके अंत में कितने शून्य है। तो यहां पे इसमें 2 शून्य है और इसमें 3 शून्य है, तो जो गुणनफल होगा तो हम लिख सकते हैं के गुणनफल में शून्यों की संख्या होगी जीरो की, कितने जीरो होंगे, इसमें कितने आए 2 और इसमें कितने आए 3, तो 2 + 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो इसमें जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 5 जीरो आएंगे लास्ट में, अंत में 5 जीरो होंगे। अब यहां पे देखो इसकी अगर हम गुना करें तो इसकी गुना हमारे पास आ जाएगी 2 जीरो ये है, 3 जीरो ये है, तो 5 जीरो हम यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। अगर हम अब हमें 53 की और 2 की मल्टीप्लाई कर रही है तो ये 6 हो जाएगा और ये 10 आ जाएगा। अब देखो ये लास्ट की बात है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ इस सूत्र का संबंध इन जीरो से है, बीच में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, इसका कोई ज्यादा अर्थ नहीं है। यहां पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ इन लास्ट में जो जीरो होगी वो इनके जोड़ के बराबर होगी, वो जो जीरोस होगी वो इनके जोड़ के बराबर होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा ए एग्जांपल। अगर हम बी एग्जांपल की बात करें तो मान लो मैं ले लू 1007 गुना में 32100। तो इसकी जब हम गुना करेंगे हम तो उसके गुणनफल में के गुणनफल में शून्यों की संख्या, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब आप तो सिर्फ शून्यों की संख्या के बारे में बात हो रही है। अब आप देखो इसके अंत में यहां पे कोई शून्य नहीं है और इसके अंत में 2 शून्य है। यहां पे शून्यों की संख्या अंत में कितनी है, 0 और अगले वाले में कितनी है, 2 है। तो इसके आगे कितनी है, 2 है, तो इसमें 2 तो अंत में 2 शून्य आ जाएंगे, तो इसमें अंत में 2 शून्य आ जाएंगे। तो ये जो शून्य है, कहने का अर्थ ये है कि जो ये शून्य है लास्ट में ये शून्य ऐड हो जाएंगे। अब आप इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करें तो यहां पे देखो मैं एक और एग्जांपल ऐसा ले रहा हूं जिसमें थोड़ा सा आपको फिर सोचना पड़ेगा। मान लो मैं ये ले लेता हूं तो k
मैंने लिया 200 और 5000, तो 200 और 5000 के गुणनफल में, गुणनफल में शून्यों शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, तो इससे आपको अंदाजा लगाना है। अब देखो दो इसमें है और तीन इसमें है, तो पांच तो आएंगे, तो दो तो इससे मिल गए और तीन इससे मिल गए, पांच तो आ गए। अब आगे जो संख्याएं बची हैं, आगे जो संख्याएं बची है जिनकी हमें गुणा करनी है, वहां से कोई और एक्स्ट्रा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। देखो यहां पे जब हमने किया एक्स्ट्रा नहीं मिला, यही पांच ही आए, बीच में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब यहां नहीं आया अगला। यहां पे जब हम इसकी करेंगे तो यहां से भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, लेकिन यहां पे आप देखो जब इसकी गुणा करोगे तो यहां से दो और तीन पांच जीरो, इसकी गुणा क्या बनेगी, पांच जीरो तो हम लगा देते हैं, और जब हम दो की और पांच की गुणा करेंगे तो यहां से हमें दस नहीं मिलेगा, तो एक्चुअल में पांच जीरो तो थी ये, एक जीरो और ये आ गई, तो एक जीरो ये आ गई तो छह जीरो होगी। ये छह जीरो क्यों हुई, ये तो हमें दो की और पांच की गुणा करने से जीरो मिली है, वो तो एक्स्ट्रा है, यानी कि हमारे पास ये पांच तो आनी ही आनी है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब अगर आपसे पूछे कोई कि 3,15,713 गुना 5,700, इसकी गुणा में कितने जीरो आएंगे, तो कितने जीरो आएंगे, यहाँ पे दो जीरो इसमें है, इसमें यहां तो में जीरो नहीं है, तो टोटल कितने आ जाएंगे, दो जीरो आ जाएंगे, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली गुणा की बात नहीं हो रही, गुणा में जितने जीरो आएंगे उसके बारे में बात हो रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कहने का अर्थ ये है कि इसका कंक्लूजन अगर हम करें, तो जब हम दो संख्याओं की गुणा कर रहे हैं तो गुणा करते वक्त लास्ट में पहले वाली संख्या में मान लो दो जीरो है और तीसरे वाली में तीन जीरो है, तो पांच जीरो तो आप लगा लें और जो बाकी के अंक बचे हुए हैं बस उनकी गुणा करके आप लिख दें। यहां पर दो जीरो, यहां पर तीन जीरो, तो पांच जीरो तो आप लगा लें और बाकी के जो अंक बचे हुए हैं उनकी आप गुणा करके लिख दें। अब यहां पे देखो दो जीरो इसमें इसमें नहीं है, तो दो जीरो तो आप लगा लें और बाकी के जो अंक बचे हुए हैं, ये नहीं ये ऐसे इनके नाम की दो चार नहीं हो जाएंगे ये, क्योंकि ये तो बीच में है, अंत में कितनी जीरो है ये देखनी है हमें, अंत में इसमें दो जीरो है, इसमें कोई नहीं है, तो टोटल दो जीरो ही। अब आप 1007 की 321 के साथ गुणा करके जो बनेगा वो आगे लिख दें। तो ये हो गया इसका पहला उपयोग। अब आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे उपयोग की तरफ। तो दूसरा जो उपयोग है इसका वो दशमलव से संबंधित है। दूसरे उपयोग में कहा गया है कि जो दशमलव का स्थान है वो ज्ञात करने के लिए किया जाता है, दशमलव का स्थान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मान लो देखो आपके पास एक संख्या है 103 और आपको 107 की गुणा करनी है, ये तो आपको पता ही है 103 की और 107 की गुणा, इन दोनों का जो आधार है, जो बेस है, जो आधार या फिर जो बेस है वो कितना है, 100 है, 100 के आसपास है, ये 100 के आसपास है, तो आप इसको देखो ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे, और इन दोनों का जो जोड़ है वो क्या बन रहा है, 10 बन रहा है, तो 7 या 21 पहला स्टेप तो ये, 3 की और 7 की गुणा यहाँ पे लिख दी। अब इसका एकाधिकेन कर दे, 10 की दोनों सेम है ये, तो इसके एकाधिकेन, 10 का एकाधिकेन हो गया 11, तो 10 की 11 के साथ गुणा करेंगे तो 110, तो ये आ गया 11021, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये इस तरह से हम गुणा करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि मान लो 1.03 और ये हमारे पास 10.7 है, तो इसकी गुणा करके जो आंसर आएगा उसके बारे में बात हो रही है, दशमलव का स्थान ज्ञात करने के लिए। अब देखो इसमें जो दशमलव के बाद कितने अंक है, दो अंक है, और इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो यहां पे हम लिखेंगे कि 1.03 गुणा में 10.7 के गुणनफल में तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, अंक होंगे कितने भाई, इसमें देखो दशमलव के बाद कितने हैं, दो, और इसमें कितना है, एक, तो ये 2+1 कितने होंगे, 3 अंक होंगे।
यानी कि दशमलव पहले वाली संख्या में जितने दशमलव के बाद जितने अंक है और दूसरी वाली संख्या में दशमलव के बाद जितने अंक है उन दोनों को हम जोड़ देंगे, इससे पता चल जाएगा दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। अब आप देखो, हमें पता है कि 103 की और 107 की गुना तो ये बन रही है 11021, तो ये गुना बन रही है। अब दशमलव के बाद इसमें दो अंक है और इसमें एक अंक है, तो दो और एक तीन, तो तीन अंकों के बाद इसमें यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक, इसी तरह से और कोई एग्जांपल आप लेना चाहो तो ले सकते हो, जैसे आपको 10.732 इसकी गुणा करनी है आपको 0.002 के साथ। अब देखो इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है, तीन, और इसमें भी दशमलव के बाद कितने अंक है, तीन, तो इसका जो गुणनफल होगा, इसकी जो गुणा करके आएगा उसमें दशमलव के बाद छह अंक होंगे, उसमें दशमलव के बाद छह अंक होंगे। ये बात आपको ध्यान है, दशमलव के बाद तीन अंक, दशमलव के बाद तीन अंक, तो दशमलव के बाद तीन जमा तीन, जैसे दो जमा एक किया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर हम इसको लिखे कि 10.732 गुना में 0.002 के गुणनफल में, के गुणनफल में दशमलव दशमलव के बाद अंक होंगे, कितने अंक होंगे, यहाँ पे दशमलव के बाद तीन अंक और इसमें भी तीन अंक, तो कितने अंक हो जाएंगे, छह अंक होंगे। अब इसकी गुना करनी है आपको, देखो 0.002 यानी यहाँ तो दो ही बच रहे हैं, तो दो के साथ इसकी गुना करो, दो दूनी चार, दो तीन छह, और यहाँ पे दो सत्ते चौदह, चार हासिल एक हो जाएगा, और ये दो की जीरो के साथ तो जीरो एक ही आ गया, और दो एकम दो, तो ये मिला हमें, यानी कि हमने जब इसकी इसके साथ गुणा की तो ये मिला। अब दशमलव के बाद अंक कितने होंगे, छह अंक होंगे। अब ये तो देखो एक दो तीन चार पांच ही अंक हुए, तो यहाँ पे एक जीरो और लगा लेंगे हम, और यहां दशमलव लगाएंगे, और इसके आगे कुछ नहीं आया बचा, तो यहाँ पे हम जीरो लगा देंगे, यानी कि तीन अंक ये थे, तो तीन अंक ये थे, छह अंक हमें पूरे करने पड़ेंगे। अब हमारे पास अंक मिले हमें गुना करने के बाद पांच, तो हम एक जीरो लगा लेंगे और उस दशम आगे उसके आगे दशमलव लगाएंगे। अब दशमलव के आगे से कुछ बचा नहीं, तो उसके आगे हम जीरो लगा लेंगे, तो इसको अब ये हो गया हमारे पास 0.02144, इसको ऐसे पढ़ते हैं। मान लो आपको इसको पढ़ना हो तो इसको पढ़ेंगे 21.34, दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं सबको अकेला अकेला हम पढ़ते हैं, इसको 34 नहीं कहेंगे हम, तो इसको 34 कहेंगे आप, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये इसको 3-4-0 में अगर लिखूं तो ये इसको अगर 34 कहेंगे इसको 340 कहना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों तो एक ही बात है, इनमें कोई फर्क नहीं है, 34 और 340 तो आपस में बराबर नहीं हो सकते, तो हमेशा दशमलव के बाद के अंकों को हम अकेला अकेला पढ़ते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आगे हो गया हमारे पास जो दूसरा जो उपयोग है इसका, दशमलव जब हम गुणा करते हैं तो दशमलव कहां पे कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, इसका तरीका क्या होगा कि पहली संख्या में दशमलव के बाद जितने अंक है, दूसरी संख्या में दशमलव के बाद जितने अंक है उन दोनों को जोड़ देंगे और जो हमें मिलेगा, तो जो नई संख्या होगी गुणा करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें संख्या मिलेगी उसमें उतने अंकों के बाद दशमलव के बाद उतने अंक होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा दूसरा जो उपयोग हो गया, आगे बढ़ते हैं तीसरे उपयोग की तरफ। तो तीसरा उपयोग काफी इंटरेस्टिंग है ये आपका, इसमें घातों के गुणनफल के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे कहा गया है कि मान लो आपके पास एक दो की शक्ति तीन है, दो की शक्ति तीन, और एक है दो की शक्ति पांच, तो यहाँ पे जो पावर है वो थ्री है, यहाँ पे पावर फाइव है, बेस सेम है, आधार सेम है, तो आप इसको अक्सर जब आप इसको मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं कि यदि यदि गुणा करते समय आधार बराबर हो तो
धातु आपस में जोड़ दी जाती है, जोड़ दी जाती है। इन केस ऑफ मल्टीप्लाई इफ द बेस इज सेम देन पावर्स आर एडेड। अगर बेस सेम है तो पावर को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। अब देखो यहां पे जो बेस है वो सेम है तो जो ये 2 की पावर है वो कितनी हो जाएगी, 3+5 हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 8 हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो घातों का जो गुणनफल है, यानी कि जो पावर्स वाले क्वेश्चंस है, उनमें अगर बेस सेम है तो उसमें हम जो पावर्स है उसको ऐड कर देते हैं। यानी कि अगर हमारे पास x रेस टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय x रेस टू पावर n है तो हम इसको लिख देंगे x रेस टू पावर m प्लस n। तो मेरे बच्चों यहां पे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 5, ये हमने लिखा 2 की पावर 3+5 कितना आ गया, 2 की पावर 8। आपको ऐसा लग सकता है कि देखो गुणा करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि दो की दो के साथ करेंगे 4 हो जाएगी और 3 की 5 के साथ करेंगे 15 होगी। हम देखो चेक करते हैं इससे क्या आंसर मिलेगा, इससे क्या आंसर मिलेगा ये एक बार हम चेक करते हैं। 2 की पावर 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 2 की पावर 5 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, 2 × 4 × 8 तो ये 8 हो गया, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 तो ये 32 हो गया। 32 की और 8 की करेंगे 8 × 16 = 6 8 × 24 = 25 तो 256 यहां से हमें मिला। अब इस पार्ट को देखते हैं, 2 की पावर 8 को देखते हैं तो 2 × 4 × पहले लिख लेते हैं 8 बार, तो हम 2 की पावर को 8 बार हम लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 128 256, तो 256 हमारे पास ये आया। तो देखो ये भी ये इसके बराबर ही आया। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो 2 कितनी टाइम आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो है, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 8 है दोनों में, तो सेम ही आएगा। तो इस तरह से ये जो पावर्स वाले नंबर है जिनमें पावर्स है उनकी मल्टीप्लाई से संबंधित है, जिनमें जब उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बेस अगर सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाती है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि जब हम गुना करते हैं नंबर्स की तो पहले वाले नंबर में जितनी जीरो होती है अंत में, दूसरे वाले नंबर में जितनी जीरो होती है अंत में, जो उनकी गुना करके आएगा उसमें पहले वाले में जितनी जीरो है और दूसरे वाले में जितनी जीरो है उनको जोड़ के पीछे लिख देते हैं, बाकी जो पार्ट बचा उसकी गुना कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से यही बात दशमलव में है, पहले वाले में दशमलव के बाद 2 अंक है, दूसरे वाली संख्या में दशमलव के बाद 3 अंक है, तो गुना करके जो आंसर आएगा उसमें दशमलव के बाद 5 अंक होंगे। और ये हमारा पावर्स का है कि अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करते वक्त जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। यहां पे हमारा जो सूत्र 16 है वो कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ साथ हमारा जो बेसिक कोर्स है वैदिक गणित का, जो बेसिक कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। इस बेसिक कोर्स में हमने क्या सीखा कि वैदिक गणित क्या है, और वैदिक गणित के जो ये सूत्र है उनके खोजकर्ता कौन है, वैदिक गणित के 16 सूत्र कौन से हैं, क्या उन वैदिक गणित के 16 सूत्रों का अर्थ है, और साथ ही वैदिक गणित के जो 16 सूत्र हैं उनका जो बेसिक उपयोग है, उनका जो उन सूत्रों को किस तरह से अप्लाई करते हैं हमने अपने जो बेसिक कोर्स में सीखा है। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना एडवांस कोर्स। अब जो एडवांस कोर्स होगा उसमें आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि हम जो बेसिक जानकारी है सूत्रों से संबंधित वो प्राप्त कर चुके हैं, और बेसिक जानकारी के बाद अब आप देखेंगे कि आपकी कैलकुलेशन एडवांस कोर्स में आप जो कैलकुलेशन है वो कितनी फास्ट तरीके से कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।